कोविड ने सच मायने में हमको जीना सिखाया, हमको हमारी औकात दिखाई। हम जो हवा में उड़ रहे थे, हमारे पास बहुत पैसा है, बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, एडवांस हेल्थ सिस्टम है, हम जो खुद को सुपर ह्यूमन मानते हैं, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमको कोई मार नहीं सकता। मैंने खुद के आंखों से देखा है, 90 करोड़ की सिर्फ प्रॉपर्टी, एक अलीशान घर, घर में 5 कार, सोना, बिजनेस और लाखों का इनकम, लेकिन टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला, इसलिए उस आदमी की 2 दिन में मौत हो गई। कोविड ने हमको सिखाया, वी आर जस्ट ह्यूमन, हम सिर्फ इंसान है। आपको पता है इस यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सीज हैं और उसमें हमारी गैलेक्सी एक धूल के कण के समान है। इस गैलेक्सी में लाखों सोलर सिस्टम है और उसमें हमारी सोलर सिस्टम एक धूल के कण के समान है। और इस सोलर सिस्टम में लाखों प्लैनेट्स है, उसमें हमारा प्लैनेट अर्थ एक धूल के कण के समान है। अभी इस प्लैनेट पे लाखों जीव है, उसमें ह्यूमैनिटी एज होल एक धूल के कण के समान है। और इस पूरे ह्यूमैनिटी में हम एक इंसान एक धूल के कण के समान है। तो इस यूनिवर्स के, गैलेक्सी के, सोलर सिस्टम के, प्लैनेट के छोटे से गांव में बैठ के हम खुद को मोस्ट सिग्निफिकेंट और सुपर ह्यूमन मानते हैं। आप इस यूनिवर्स का कोई भी एक छोटा सा जीव ले लो, एक चींटी ले लो, एक बटरफ्लाई ले लो, अगर आप अच्छी तरह से उस चींटी का निरीक्षण करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी इस चींटी को बनाया है, उसने इस चींटी को बनाने के लिए उतना ही ध्यान दिया है जितना हमको इंसान को बनाने के लिए दिया है। तो अगर खुद क्रिएटर ने समान ध्यान दिया है तो हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि वो चींटी एक लोअर क्रिएचर है और हम इंसान कोई सुपर ह्यूमन है, कोई हायर क्रिएचर है। यू नो, सदगुरु कहते हैं दिस आइडिया दैट कॉस्मोस इज ह्यूमन सेंट्रिक इज स्टूपिड आइडिया। हम इंसान इस यूनिवर्स के सेंटर है, ये आइडिया ही गलत है। और फिर यही आइडिया की वजह से आता है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। यू नो, अहंकार का मतलब भी यही है, कंसिडरिंग योर सेल्फ वॉट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू डिफेंड दैट इमेज ऑफ योर्स। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मैं ओनर हूं। नो, आई एम नॉट, मैं एशली हूं, मैं ह्यूमन हूं और मुझे इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो मेरे पहले भी किसी को दी गई थी और मेरे बाद भी किसी को दी जाएगी। तो मैं जो नहीं हूं वो जब मैं दिखाने की कोशिश करता हूं वो है अहंकार। आपको पता है अगर मैं आपका मुंह और नाक बंद कर लूं तो कितने मिनट लगेंगे आपको वेजिटेटिव फॉर्म में आने के लिए, यानी मूली और गाजर जैसा होने के लिए? यू नो, 4 मिनट लगेंगे। सिर्फ 4 मिनट में आपको अगर सांस नहीं मिली तो आप मूली गाजर जैसे हो जाओगे। तो इन 4 मिनट की रस्सी पे खड़े होकर आप बोल रहे हैं कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। यू नो, एंशियंट डेज में रोमन कल्चर में एक स्लेव था जिसका नाम था अनोरिगा। उसका एक ही काम था, मिलिट्री कमांडर ड्यूक्स के पीछे खड़े रहने का और उसके कान में हमेशा विस्पर करने का, मेमेंटो होमो, मेमेंटो होमो, मेमेंटो होमो। इसका मतलब है रिमेंबर यू आर जस्ट अ मैन। यू नो, खेत में जो भरे हुए दाने होते हैं वो झुके हुए होते हैं और जो खाली दाने होते हैं वो अहंकार से खड़े हुए होते हैं। तो अपना अहंकार छोड़ो, याद रखो हम सिर्फ इंसान है, इंसान बनने की कोशिश करो।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.